हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग बनाएंगे आलू और सूजी की नमकीन, और इसे हम लोग हाथ से बनाएंगे, किसी भी मशीन से नहीं बनाएंगे। ये जो नमकीन है ये बनाने में आसान तो होंगे ही, साथ में ये उतने ही क्रिस्पी होंगे। तो चलिए इस नमकीन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में डालेंगे 1 कप सूजी। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ वाला सूजी लिया है। सूजी डाल करके सूजी को 1 मिनट तक भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 1 मिनट ही भूनेंगे इसको। एक मिनट के बाद फिर डालेंगे इसमें 1.5 कप पानी। तो 1 कप मैंने यहाँ पे सूजी लिया है, तो 1.5 कप पानी ऐड करेंगे, 1.5 गुना पानी डालेंगे इसमें। फिर डालूँगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अब डाल देंगे इसमें नमक, नमक थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि नमकीन में हम ऊपर से भी नमक ऐड करेंगे बाद में। नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो सूजी होता है बहुत जल्दी पानी को सोख लेता है, तो इसको चलाते रहेंगे लगातार। अभी देखिए सूजी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ढक करके, ताकि इसके स्टीम में जो सूजी है वो अच्छे से पक जाए। मैंने यहाँ पर 3 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, बस आलूओं में कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं इसको ग्रेटर पे ग्रेट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सभी आलूओं को ग्रेट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, थाली में हम जो सूजी रखे हैं वो हम निकाल लेंगे। अब सूजी को निकाल करके सूजी को हमें अच्छे से मसल मसल के बिल्कुल चिकना कर लेना है। सूजी हल्की सी जब गर्म रहेगी तभी उसको मसल लेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे। बस हाथों से टच हो जाए उतना ही वो गर्म रहना चाहिए। अब हमें यहाँ पे सूजी को अच्छे से मसलना है, अगर इसमें एक भी गुठली वगैरह रह गई हो तो वो ख़त्म हो जाए। अब हमने जो आलू ग्रेट करके रखा था आलूओं को भी सूजी में डाल देंगे, और दोनों को डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से फिर इसको एकदम मसलेंगे, बिल्कुल डो की तरह, बिल्कुल डो की जैसा कर लेना है इसको मसल मसल के एकदम चिकना। मैंने सूजी और आलू को अच्छे से मसल के एकदम चिकना कर लिया है, बिल्कुल डो की जैसा हो गया है। अब इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसको एकदम चिकना कर लेंगे ताकि ये चिपकने ना पाए हाथों में। तो देखिए हमारा जो ये डो है बिल्कुल रेडी है नमकीन बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, और ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। और मैंने यहाँ पे इस तरीके की छलनी ली है जिससे हम पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं। डो को इस तरीके से छलनी पे रखेंगे और हथेलियों से हम मसलेंगे, जिस तरीके से हम वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से हमें करना है। डो काफ़ी सॉफ्ट होता है तो वो आराम से दम उसको हम मसल लेते हैं हथेलियों से, ये देखिए, और बहुत ही आराम से इसमें नमकीन बन जाता है। ऑयल में डालने के बाद फिर हम इसको तुरंत नहीं पलटेंगे, 2 से 3 मिनट के बाद जब कलर हल्का सा इसका चेंज हो जाएगा तब फिर हम इसको इस तरीके से अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। अगर नमकीन को डालने के बाद ऑयल में अगर हम तुरंत पलटेंगे तो जो नमकीन होता है वो चिपकने लगता है, इसलिए ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब हल्का सा कलर जब चेंज हो जाए तब फिर उसको हम अलट पलट के फ्राई करेंगे अच्छे से। ये देखिए जो नमकीन अच्छे से फ्राई हो गई है, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो हम नमकीन को बाहर निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, और इस नमकीन को फ्राई करने में टोटल 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। अब इसी तरीके से बाकी के जो नमकीन है उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको एक बार और निकाल के दिखा देती हूँ। और जब नमकीन डालते हैं तो और गैस जो होता है वो मीडियम फ्लेम पर रहना चाहिए, मीडियम और हाई फ्लेम के बीच में इस नमकीन को फ्राई करेंगे, ज़्यादा लो फ्लेम नहीं करेंगे। और ये देखिए बहुत ही आराम से निकल जाता है।
अगर आपके पास मशीन नहीं है तो भी आप इस तरीके से इस नमकीन को बना सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है नमकीन। फिर 2 से 3 मिनट के बाद ही फिर इसी तरीके से नमकीन को हम अलट पलट के फ्राई कर लेंगे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब नमकीन को बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की सूजी का जो डो है उसका नमकीन बना लेंगे। और मैंने यहाँ पर ये 1 कप मैंने चूरा लिया है जिससे हम पोहा बनाते हैं। मीडियम साइज का पोहा है ये। और देखिए कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, स्ट्रेनर में इसको चूरे को रख करके फ्राई करेंगे। इस तरीके से जो चूरा होगा ऑयल में फैलेगा नहीं, बहुत आराम से निकल जाएगा और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है। बस कुछ सेकेंड ही लगते हैं इसको फ्राई करने में। देखिए फ्राई हो गया, तो इसको निकाल लेंगे बाहर। इसी तरीके से हम बाकी का जो पोहा है उसे भी फ्राई कर लेंगे। एक स्पून ले लेंगे, उसे चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से ये चारों तरफ से फ्राई हो जाए। अच्छे से इसको हम छान लेंगे ताकि सारा जो ऑयल है वो निकल जाए इसमें से। इसी तरीके से मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। अब मूंगफली को भी फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई कर लेंगे। और जब मूंगफली बीच में से फट जाए तो समझ जाइए कि मूंगफली फ्राई हो गई है। ये देखिए मूंगफली फ्राई हो गई, इसको निकाल लेंगे। इसका जो ऑयल होगा उसको अच्छे से छान लेंगे स्ट्रेनर में ही। मैंने यहाँ पे 10 से 15 बादाम लिए हैं और एक बादाम के मैंने दो बीच में से 2 पार्ट कर लिए हैं। बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। बस बादाम का कलर जैसे ही चेंज होगा उसको निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ सेकंड में ये बादाम भी फ्राई हो जाता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये बादाम। ये देखिए इसी तरीके से हम करी पत्ते को भी फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। और बहुत ही कम टाइम लगता है इन सब चीज़ों को फ्राई करने में। अब लास्ट में मैंने काजू लिए हैं, काजू को भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। और इन सब चीज़ों को फ्राई करते समय गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए काजू फ्राई हो गया, तब इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए सूजी आलू का जो नमकीन हमने बनाया है बहुत ही क्रिस्पी बना है, और इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने इसको हाथ से बनाया है, बिल्कुल मशीन के जैसा लग रहा है ये। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे सूजी का नमकीन लिया है, पोहा लेंगे, पोहे को भी डाल लेंगे थाली में। और ये हमने जो आप मूंगफली बादाम काजू और करी लिप्स को फ्राई करके रखा है उसे भी डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं यहाँ पे मैंगो पाउडर, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, आप यहाँ पे सफ़ेद और काले नमक दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा जो नमकीन है वो बनके रेडी है बिल्कुल मार्केट के जैसा। आप इस नमकीन को एयरटाइट कंटेनर में भर के आराम से 2 महीने तक खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।